हेलो एवरीवन, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 2020 का है, तो देखने से समझ आ रहा होगा, ये तो क्लास 9 का बच्चा भी कर देगा कि अगर एक कच्चा मैंगो को अगर रखते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके कारण वो श्रिंक हो जा रहा है ना। तो सबको पता है कि वो प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस। तो हम लोग को क्लास 9 में पढ़ाया गया था हाइपरटोनिक है ना, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। फिर उसमें एग्जांपल भी दिया गया था, याद है। वहीं पे ये भी समझाया गया था, समझाया क्या ही गया था, मतलब ये क्लास 12th में लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया जो है, माइक्रोब्स जो है, वो मर जाते हैं सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन में, ऑयल में भी इनफैक्ट, है ना। तो क्यों यूज़ करते हैं हम लोग अपने पिकल्स वगैरह में, क्यों बोलते हैं पिकल्स वगैरह में ऑयल होना चाहिए? क्योंकि होता क्या है कि बैक्टीरिया जो है, बाहर कम पानी, क्योंकि बाहर सॉल्ट है या ऑयल है, तो बैक्टीरिया का पानी जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो बाहर निकल जाता है तो बैक्टीरिया श्रिंक कर जाता है और इसके सेल मरने लगते हैं फिर पानी के अभाव में। तो इसलिए बोलते हैं कि आम या फिर सॉरी पिकल्स को, किसी भी अचार को अपन ऑयल सॉल्ट शुगर ये सब अच्छे से दिया जाए, ताकि मस्त टेस्ट भी आए और ये बेचारे माइक्रोब्स सर्वाइव ना कर पाए, नहीं तो हमें बीमारी हो जाएगा। हमें इनसे दोस्ती भी है, हमें इससे दुश्मनी भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फो एंड फ्रेंड में समझ आया था। तो ये ऑस्मोसिस के कारण होता है। कोई पूछा कि कौन सा इन्वायरमेंट मिल रहा है इसको, अगर ये मैंगो श्रिंक कर रहा है तो ऐसा ही वाला केस है एकदम, बैक्टीरिया का सेल जैसा श्रिंक कर जाता है तो मैंगो भी श्रिंक करता है, तो उस केस ये कौन सा केस है? हाइपरटोनिक, है ना, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट इसको बोलते हैं। तो बाहर पानी ज़्यादा, अंदर पानी कम है। कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है? अंदर ज़्यादा है कंसंट्रेशन सेल के अंदर, और बाहर कम है। कंसंट्रेशन क्या होता है? सॉल्वेंट के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है ना। तो कोई बोला शुगर बहुत है तो कंसंट्रेटेड है, मतलब पानी कम है। चीनी बहुत ज़्यादा मतलब पानी कम है, रिलेटिव तो रिलेटिव है दुनिया। तो हम लोग पानी से समझ सकते हैं, हमें माने तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में बोल सकते हैं, बट आंसर बड़ा आसान है, आंसर इज ऑस्मोसिस, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं सोचना है, रिवर्स ऑस्मोसिस बस हम लोग क्या पढ़ें, पानी को प्योरीफाई करने के काम आता है। नेचुरल प्रोसेस जितना भी है, जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स उस तो लगाना नहीं पड़ा यहाँ पे, है ना, सब अपने आप होता है, ये सारा ऑस्मोसिस ही होता है, ठीक है। इसमें आरओ नहीं बोलेंगे, आरओ तो पानी वाला सिस्टम है जिसमें हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी लगा के मेहनत करना पड़ता है, तब जाके रिवर्स ऑस्मोसिस होके हमारा अच्छा वाला पानी मिलता है, ठीक है। ओके बाय एवरीबडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।